दोस्त, सरसों का तेल कैसे निकालते हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये देखो, वहाँ से सरसों डलती है और वो नीचे आती रहती है, यहाँ पे इसका तेल बनता रहता है और नीचे अपना जिसमें तेल करना होता है वो रखना होता है। इस तरह से आता है, ये देखो यहाँ खल निकलती आती है, ये इधर से खल निकल रही है और ये तेल निकल रहा है। घर को सरसों डल दिया यहाँ पे, एक खल बन के आ रही है और ये तेल बन के आ रहा है। घर को बाल्टी लगी है तेल से, एक बार इधर से जाता है फिर उधर से जाता है, ये मोटर है इधर। इतना ढेर है सरसों का हल्का, ये बड़ी मशीन है, छोटी मशीन भी होती है, उससे थोड़ा टाइम लगता है, इससे जल्दी जल्दी होता रहता है काम। देखो ये यहाँ से सरसों डलती है, ये डाल दी, ये देखो दोबारा उधर से जा रहा है, और दूसरी मशीन है, आप दोबारा इसी मशीन में भी कर सकते हो, उससे टाइम लगता है। यहाँ पे दो मशीन लगी हुई है, यह बाल्टी भरी जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, सरसों का तेल कैसे बनता है, कैसे निकलता है और कैसे खल बनती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। और नोटिफिकेशन का बटन दबा लेना, बेल आइकन होगा वहाँ पे रेड वाला। उधर से खल डलती है क्योंकि दो बार डलती है, अगर थोड़ा बहुत तेल बचा होता है वो उधर से निकलते रहते हैं। वहाँ पे भी बाल्टी लगी हुई है ड्राम। तो अगर आपको ऐसी वीडियो और भी देखनी हो हमारे भी लोग में, तो मुझे कमेंट करके बताना, ऐसी वीडियो और भी आपको दिखाता रहूँगा मैं। ये देखो पहली बाल्टी एडवांस में, वो ड्राम भरने वाला है और ये बाल्टी भी भर गई है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये भी बाल्टी हटेगी यहाँ से, दूसरी बाल्टी लग जाएगी इस तरह से। तो चलिए, अगर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर आपको और भी वीडियो देखनी है किसी और चीज़ की तो बताना कमेंट कर देना।